तो गाइज एक सिंपल सा वीडियो आप सभी के लिए लेके आने वाला था यहाँ पे, वो मैं आज ही लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो रियलमी वॉच है ना, रियलमी वॉच है ना आपके पास, है कि नहीं? नहीं है तो मत देखो वीडियो को, सीधे हट जाओ, सीधे हट जाओ। है तो ठीक है, डेफिनेटली आप सही वीडियो पे आ चुके हो। इसका एक ओटी अपडेट है, तो ओटी अपडेट मेरे को दिखाना था आप सभी को यहाँ पे। क्या पता ओटी अपडेट में वॉइस असिस्टेंट ऐड हो जाए, क्या पता इसमें जो फ्लिकर जो डिस्प्ले कर रही है वो ना हो, वो भी चेक कर लेंगे। और गाइज यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी और कॉल क्वालिटी जैसे सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन है वो तो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, बट अगेन इसको अपडेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है। वैसे गाइज इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। तो फिर बिना किसी देरी के ऐसे कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। तो रियलमी लिंक एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेनी है, अगर आपके में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो, अगर आपके पास वॉच नहीं है तो आपके फोन में नहीं होगी डेफिनेटली, बट अगर है आपके पास वॉच तो आपके फोन में भी एप्लीकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे अभी तो डिसकनेक्टेड है, देखो यहाँ पे रेड आइकन दिखा रहा है और ये कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे शो कर देगा। कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे पॉपअप हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, अगर आपके में नहीं हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो अपग्रेड का ऑप्शन आ चुका है, 81.0 अपग्रेड का ऑप्शन है। अगर ये अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको एक काम करना है, रियलमी लिंक एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है, उसके बाद ये ओटी अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा आपके में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम टैप करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 81.0 आ चुका है और इसमें क्या क्या फायदे हैं आपके, कीप योर डिवाइस क्लोज टू द, यहाँ पर रिजॉल्व ओकेजनल डिस्प्ले इशूज और फिक्स सम अननोन इशूज। ठीक है, तो अपडेट करते हैं। ओके, अपडेट हो चुका है तुरंत, मतलब अपडेट इसमें हो रहा है। तो गाइस फाइनली अपडेट हो चुकी है वॉच और रीस्टार्ट हो रही है और यहाँ पे भी फिनिश्ड आ चुका है, देख सकते हो। आपको टच नहीं करना है, ध्यान रखना है, अगर आपने टच कर दिया कहीं खराब वराब होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, आपको छोड़ देना है, इसको ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ओके कर देंगे, हम बैक करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, देख सकते हो रियलमी का लोगो आ चुका है और ये ऑटोमेटिकली पेयर भी हो जाएगी। ठीक है, तो जो नोन इशूज़ थे वो अभी हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे कनेक्ट होने दो उसको पहले, यहाँ पे अभी डिसकनेक्टेड है और ये पेयर हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर रहा होगा, 62 थी, 58 बची हुई अपडेट करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं मेन्यू में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी मैं कम करता हूँ यहाँ पे, फिर फ्लिकर करेगी। ठीक है, ऐसे रखते हैं, यहाँ पे मेन्यू स्टार्ट हो जाता है और सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे ऐसा तो कोई चेंज इसमें नहीं लग रहा है मेरे को, साउंड एंड वाइब्रेशन में रिंगर वॉल्यूम भी है, रिंगटोन यहाँ पे है सेट करने का, जनरल व्यू में चलते हैं, यहाँ पे लिस्ट ग्रेड वाला ऑप्शन है और गाइस अबाउट का ऑप्शन है। क्या वॉइस असिस्टेंट ऐड हुआ है इसमें क्या, यहाँ पे अलार्म है, सेटिंग में तो ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी चीज़। यहाँ चेक करते हैं, वॉइस असिस्टेंट ऐड करना चाहिए था, कंपनी को ऐड नहीं किया एक्चुअली कंपनी ने। कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब वॉइस क्वालिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, या मतलब वैसे पहले भी ठीक थी यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। नमस्कार, वी में आपका स्वागत है। उतनी लाउडनेस है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से कुछ भी चेंजेस नहीं आए और कनेक्टिविटी क्या पता इनहेंस हुई हो, वैसे तो ऐसा मेरे को कोई भी डिफरेंस, खास डिफरेंस नहीं लगा इस वॉच में अपडेट के बाद। राइट, तो गाइस ये था एक सिंपल सा अपडेट अलर्ट वीडियो आप सभी के लिए, आप अपडेट कर लो रियलमी वॉच 3 को अपनी अगर आपके पास है तो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।